अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दोस्त अवाम दोस्त, और अवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। नरमी के बाद हुई लॉकडाउन में एक बार फिर सख्ती, और महंगाई है कि अवाम की जान नहीं बचती। रमज़ान गुजर गए और ईद भी, हुकूमती वादों में अब जान नहीं लगती। अवाम की परेशानी और उनका अहवाल आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगी महंगाई जो इतनी हुई है, हर चीज़ महंगी हुई है। अम्मा हर चीज़ महंगी है, कौन से हंसती है, हर चीज महंगी, सब दालें वाले सब। ये बेटा हुकूमत तो बोलती है सस्ता बेचा, यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है। मुर्गी 440 रुपए किलो है, प्याज 40 रुपए किलो, आलू 50 रुपए किलो, गरीब आदमी क्या खाएगा? मतलब ऑयल वगैरह दोबारा से महंगा हो गया, ऑयल महंगा हो गया, ऐसा क्या पकाया? काम धंधे बच्चों के नहीं है, कोरोना की वजह से घर के अंदर बच्चे बैठे हुए, ढाई तीन महीने हो गए, और ये क्या कहते हो, कौन होता है ये पैसे नहीं दे रहे, समझे? हाँ, तनख्वाह या बच्चों की नहीं दे रहे, बोनस नहीं दे रहे, तो इंसान घर में क्या खाएगे, बच्चों को क्या खिलाए, स्कूल वाले फीसें मांगते, अभी कहाँ से इंसान दे? मतलब यहाँ पे काम धंधा नहीं है, स्कूल वाले वाउचर पे वाउचर फीसों के लिए चिल्ला रहे थे, फीसें बुरी बुरी भरो, तो इंसान क्या करे? हुकूमत को बाहर निकलने चाहिए, देखने चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं, हर स्कूल चेक करे तो क्या हो रहा है क्या नहीं। बेचारे गरीब आवाम मरती है यहाँ, तो गरीब आवाम कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो हुकूमत कहते हैं 12,000 रुपए देंगे राशन वगैरह, किसको मिले भाई? हमको तो किसी को भी नहीं, किसी को नहीं मिला। नहीं नहीं, पूरा रमजान गुजर गया, ईद गुजर गया, नहीं 8,000 रुपए तनख्वाह है, बेचारे खुद मेहनत करती है खाती है, 8,000 में भी नहीं है। अभी स्कूल बंद है, मैं घर में बैठी हूँ, तो कुछ मिले तो सही, खावे इंसान नहीं खावे। हाँ मैं तो गरीब, मैं तो मियाँ भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे नहीं मांगते। तो फिर आप ही कमाती हैं? हाँ, कोई किसी को किसी ने कोई इमदाद नहीं की, पूरा महीना गुजर गया, रमजान गुजर गया, अल्लाह के हुक्म से उसकी बरकत से गुजरा। 1,000 रुपए नहीं मिला राशन? नहीं 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 नहीं, राशन तो मिला ही नहीं, राशन अपना घर भरे। 12,000 रुपए नहीं चाहिए, ये सिर्फ कारोबार खोल दो, हम ये सब देने वाले, मगर ये कारोबार बंद है, इसकी वजह से मजबूर हो गए आवाम। तो ये कारोबार खुल जाएंगे तो किसी को जरूरत नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, अल्लाह पाक सबका अच्छा करेगा। हुकूमत से ये दरख्वास्त है सिर्फ कारोबार खोल दे बस, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब ये लॉकडाउन जो हो रहा है, जो मामला हो रहे हैं, तो उसके वजह से बिल्कुल बेरोजगारी हो गई है, लोग घरों में बैठे हुए हैं। बिल्कुल यही बात है, ये सारी बेरोजगारी हुई लॉकडाउन की वजह से हो रही है। हर चीज़ महंगी लग रही है, हर चीज़ महंगी है, किसी के पास 1 रुपए की चीज़ लेने के जाते हैं और 2 रुपए की ले लेते हैं, वो यही कह रहे हैं आगे से हमें पैसे देने पड़ते हैं। ये लूटमारी का धंधा, ये सारा बाजार ये गर्म, ये सिर्फ लॉकडाउन की वजह से। ये लॉकडाउन खत्म कर ले, किसी को 1 रुपए की जरूरत नहीं है, अल्लाह पाक सबको दे रहा है। 5 बजे के बाद कोरोना आता है, ऐसा कोरोना नहीं है यहाँ पर, सुबह में कोरोना नहीं, 5 बजे के बाद ही कोरोना आता है। तो हाँ, कुछ नहीं हो रहा है, पब्लिक को खाने दो, कमाने दो, तुम 12,000 रुपए क्या महंगाई है, बहुत महंगाई है, गरीब आदमी क्या करे, गरीब आदमी क्या खावे, इतनी महंगाई है, बहुत महंगाई है। तो इसको बोल थोड़ा सा सस्ता भी करे और महंगाई नहीं करे, गरीब आदमी क्या खावे, इतना कमाई नहीं है, काम धंधे नहीं है, बाबर आज काम धंधे नहीं है, काम धंधे नहीं है, क्या करे फिर? महंगाई तो बहुत है, क्या करें, नहीं हमें पैसे मिले, कुछ भी नहीं मिला, हमें राशन तक नहीं मिला, 2-3 महीने हो गए, हमारा किराया बढ़ गया, इतना पूरा रमजान गुजर गया, ईद गुजर गई, कोई इमदाद नहीं हुई, कुछ भी नहीं, ना हमने ईद के कपड़े लिए, ना बच्चों ने, छोटे बच्चों ने भी नहीं लिए। हुकूमत ने कहा था कि 12,000 रुपए दिए जाएंगे एहसास प्रोग्राम के तहत, वो क्या कहते हैं, बोला गया है आप अहल नहीं हो। हाँ क्यों नहीं है अहल? आहर क्या हमारे पास बिजनेस खुले हुए हैं क्या? मेरा शौक भी क्या कहते हैं वैसे ही मजदूरी वगैरह करता है, कौन सा बड़े काम है, बिजनेस लगे हुए हैं, कुछ तो करो ना, गाड़ियाँ खोलो ताकि गाड़ियाँ खोल लें, जब तक काम ही कर लें हम लोग, ना गाड़ियाँ खोल रहे ना काम खोल रहे, कहाँ से खाएंगे? ये बोल रहे महंगाई हो गया, ये हम पे कोई काम नहीं हो रहा है, राशन नहीं मिल रहा है किसी को, ये गलियों के हाल देखो, बुरे से बुरा हाल है, गटर नहीं बंद हो रहे, ढकने नहीं है इनके। मतलब पूरा महीना गुजर गया, ये रमजान गुजर गया, ईद गुजर गई, किसी को 12,000 नहीं मिले, नहीं 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 मिला, बहुत राशन ये इलाके में आया लेकिन हम नहीं किया, हम लोग अपने जानने जानने वालों को दिया, 46 वालों को दिया, हमों को नहीं मिला। घर में बैठे हैं सब, सब घर में लॉकडाउन की वजह से कोई कारोबार नहीं है, नहीं ना घर में बैठा हुआ है मियाँ, और मैं तो बीमार हूँ, जा नहीं सकती बाहर, बच्चे है जो बेटियाँ हैं जवान, मुझे कहा था कि 12,000 रुपए दिए जाएंगे, वो नहीं मिले, रमजान भी गुजर गया, ईद भी गुजर गई, कोई नहीं, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, गलियों में भी सन्नासी काट के नकल लेके गए, वो भी रास्ते नहीं मिला है, सही, बहुत ही परेशान हो गए हम लोग भाई, क्या करे, काम धंधा नहीं है, ऊपर से गंदगियाँ है, बच्चों को तो खाना चाहिए ना, बच्चों को तो खाना चाहिए ना,
आपको पता है भरे सफर कर सकते हैं, बच्चे सही कर सकते हैं। हाँ महंगाई तो काफ़ी है, गरीब आदमी मर गए, काम धंधे हैं नहीं, लॉकडाउन की वजह से घर में मसरूर होकर रह गए हैं। तो चिकन तो आप दूर की बात है, दाल भी नहीं खा सकते, अपने मन माने भाव ले रहे हैं कि इसका यहाँ कोई ना SDM हो है ना कोई अपना असिस्टेंट नहीं आते, कभी आते हैं तो एक दो को बस देख के चले जाते हैं। यहाँ महंगाई अपने मर्जी से है तो गरीब आदमी पिस के रह गए। आप बोल रहे हैं मुर्गी खाओ या चिकन खाओ ना, या दाल भी उबाल के नहीं खा सकते, इतनी महंगाई है। तो खुदा रहा इस पर कंट्रोल किया जाए, गरीबों को जो चीज़ है वो प्रोवाइड की जाए। लॉकडाउन एक किस्म के लिए अच्छा भी है, लेकिन अच्छा उस वक्त है कि उनके घर पे राशन भी होना चाहिए, खाने पीने का चीज़ होनी चाहिए। गरीब आदमी काम पे नहीं जाएगा, खाएगा कहाँ से? चलो वो खुद तो नहीं खाएगा, मासूम बच्चों को वो तो मांगते हैं, फिर क्या होगा? चोरियां होगी, डकैतियां होगी। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि 12,000 रुपये दिए जाएंगे, वो 12,000 रुपये बहुत जानों को मिला भी है, बकौल मुझे भी मिला है, 12,000 मुझे भी मिला है, 12,000 मेरे वालिद साहब का आया हुआ है, लेकिन इन्होंने दिया नहीं है उसको। उसको बोलते हैं वेरीफाइव करवा के, अंगूठा नहीं आ रहा है। अब नादरा से 2 दफ़ा इन्होंने वेरीफाइव करवाया, इसके बावजूद भी नहीं मिल रहा है। पूरा रमजान गुजर गया, ईद गुजर गया, पूरे रमजान के अंदर नहीं मिला है। और हमारे इलाके के अंदर गटरों का ढकने, सारे ढकने खुले हुए, नादम को बोल बोल के थक गए, नादम ना ढकने लाता है ना तुम्हारा कचरे वगैरह साफ करवाते। इतनी चिकन महंगी हो गई है, नायाब हो गई अब तो, क्या वजह, क्या वजह है? 320 रान, 320 बेच रहे हम, 320। बाकी जगहों पर 450 तक पहुँच गई है, रेट बहुत हाई है ना। तो क्या वजह है अचानक एकदम ईद से 2 दिन पहले इतनी महंगी हो गई चिकन? माल पीछे वो शार्ट है इसलिए महंगी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे इतनी महंगाई जो हुई इतनी, मतलब 2 दिन के अंदर और किसी को कुछ नहीं जा रहे, काम धंधे बंदे बैठे हुए खा रहे, किधर से खा रहे किधर से ले रहे, किसी को परवाह नहीं है। अभी शोरे बैठे हुए बच्चों वाले करें क्या, ईद में भी खरीदारी इतनी नहीं की बच्चों के लिए, बच्चों के लिए ली अपने लिए कुछ भी नहीं ली, क्यों? बच्चे तो मांगते हैं, बच्चे तो मांगते हैं। अभी गरीब बंदा ही पिस रहे, जिसके पास थोड़ा बहुत है वो कर रहे हैं, जिसके पास बिल्कुल नहीं है वो भूख मर रहे हैं। सही, मतलब अभी चिकन जो है वो 400 रुपये तक पहुँच गई है, वहाँ का मेले के वहाँ 420 दे रहे हैं। हाँ तो यहाँ 320 दे रहे थे, 300 में लगा के लिए। तो हुकूमत ने कहा था कि ये सस्ता करेंगे, पूरा रमजान गुजर गया, ईद गुजर गई, कोई चीज़ सस्ती नहीं, लोगों को इमदाद भी नहीं मिली। अभी सारे हुकूमत बैठते कौन अच्छा करता है कौन बुरा करता है रब को पता है, अभी हमें कुछ नहीं पता। हम तो देखो छोटे बंदे पिस रहे हैं, आवाम पिस रही है, मतलब हाँ आवाम पिस रही है, अभी अल्लाह को पता है आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। क्या कहेंगे ये जो महंगाई सामने, कहने की जरूरत हमें ज्यादा है नहीं, सारे लोग देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारों की आंखें खुली हुई हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब देख रहे हैं। तो आप लोगों को खुद को माशाल्लाह जो हमारे बड़े हमारे बैठे हुए हैं उनको एहसास करना चाहिए, दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, मुख्तसर है, अल्लाह को जवाब देना है, ठीक है ना। कुल्लू मन अलैहा फान, सबको फना है, अल्लाह को जवाब देना है। जो हो रहा है एक कत्ल भी हो रहा है तो एक एक हज़रत उमर रज़ी फरमाते हैं बफू में कि दरियाए दजला के किनारे एक कुत्ता भी मरेगा ना तो उमर को इसका हिसाब देना है। तो ये हमारे हुक्मरान बैठे हैं, जो हमारे अस्पतालों में जो हो रहा है ये कोरोना का जो बेवकूफ़ लोगों को बनाया हुआ है, तो ये भारत अल्लाह का खौफ करें, मरना है अल्लाह को जवाब देना है। ये पब्लिक खुदकुशियां कर रही है बेरोज़गारी की वजह से, आपके सामने है हालात देख रहे हैं बाज़ारों के, तो फरमाया ये अल्लाह का अजाब है हमारे तरफ, अल्लाह हमसे नाराज़ है। प्रोग्राम के तहत लोगों को बड़ा हाँ मिले हैं कुछ, मुझे पता पड़ा लोगों को मिले, अच्छी बात है, मैं नहीं कर रहा नहीं, लेकिन इसमें भी अब हर एक को नहीं मिला, ये मैंने देखा है, मुस्तहिक लोग भी हमारे गली के कितने मुस्तहिक लोग हैं समझे, नहीं मिला है। अब चंद, अब करोड़ों में से कुछ चंद लोगों को, लाख लाख लोगों को मिल गए, 1 लाख को तो फरमाइए तो कोई हल नहीं हुआ ना। अब दे रहे हैं तो आप सबको दें, हर एक को जो है ना एक नज़र से देखें और सबकी फिक्र करें यार, ये जो माहौल हालात जो चल रहे हैं। फरमाया रमज़ान गुजर गया, हम देहातों में जाना हुआ, मेरा ट्रेवल एजेंसी का काम है, मैं हज उमरे का मेरा काम है, अब राशन बांटने के लिए सेठों के साथ में गया देहात के अंदर, यकीन करो लोग खुदकुशियाँ हमने अपनी आंखों से देखी है, तो आज भी इत्तफाक है वहीं जाना हो रहा है किसी काम से। तो ये कि फिक्र करने की बात है, ये पैसा कफन के अंदर जेब नहीं है। बत्ती का बिल 5,000, गैस का बिल आ गया है अभी तो, आपको तो पता है ना सब इन लोग ने बंद कर दिया है, अभी सब देख लो 5 बजे सबकी ड्यूटी बंद हो जाती है, हॉल बंद हो जाता है, हमारा खुद का हॉल भी बंद हो गया है। अभी घर कैसा चलता है कैसा नहीं चलता, बेटा कमाने वाला है आप आ गए, और 5 बिल भी इतने लोग इतना देते हैं, 5,000 रुपया देते हैं गैस का बिल या बिजली का बिल, गैस का बिल और बत्ती का बिल एक ही बात है, उस वहाँ 5,000 रुपया आ गए। बड़ी मेहरबान, आप हल करोगे
ताला आपको हल करेगा। मैं तो मीडिया तक भी गया हूँ, मैं प्रेस के आगे अपने बच्चों को खड़ा करके दिया हूँ, ना मुझे राशन मिला ना मुझे पैसे मिले, मेरे तो बच्चे अभी भी भूखे हैं। 1200 रुपए भी, रुपया भी नहीं मिला, ये खाली बातें कर रहे हैं। जब तक ये हालात सही नहीं होगा तो सब चीज़ महंगी ही मिलेगी, और तो कुछ नहीं होगा। लॉकडाउन की वजह से ही सारी चीज़ हर चीज़ महंगी की हुई है। लॉकडाउन के जैसे ही क्या हुआ, इस वक्त आपको यहाँ लगे कहीं कोरोना नजर आ रहा है आपको, तो कोरोना भी क्या छुट्टियों पे गए हैं। कोरोना आता सोच समझ के 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद आते तो फिर इसके मतलब इसके बाद वो भी कर लिया है ना, तो कोरोना के लिए क्यों करके रखा हुआ हूँ। हम तो चल रहे, हमें तो कोई कोरोना नहीं हो रही, हमारे साथ खड़े हैं, तो किस बात के लिए कोरोना बना के रखा हुआ। लोगों को आवाम को परेशान ही कर रहे हैं लोग, आवाम परेशान, रोजी के लिए लोग जा रहे, जो घर के खाने वाले हैं, चार एक कमाने वाले चार खाने वाले लोग क्या करेंगे, घर पे बैठे हैं लोग, चार महीने से घर पे बैठे हैं, बेरोजगार होकर बैठे हैं लोग, क्या ला के दे रहे ऊपर से 12,000 का एक बोल तो लगा के दे दिया जाए, वो किसको मिला है इनसे पूछे, यहाँ पर कितने आवाम इनसे सबसे पूछे, आप लोगों को मिला है, किसी को नहीं मिला। अगर वो 12,000 में कितने दिन बैठ के खाएंगे, एक दिन चार दिन, उन लोग ये लॉकडाउन खत्म करो, बोलो बाकी आवाम को जीने दो। गुजर गया ईद भी, गुजर गया, किसी को कुछ नहीं मिला, ना राशन मिला ना 12,000 मिला। राशन को छोड़ो भाई, आम तौर पे लोगों को काम तो करने दो, अपने बलबूते पे कमाने दो ना, तुम लोग क्यों भिखारी बना रहे हो। आम तौर पे ऐसी भिखारी काम है कि और लोगों को भिखारी बना के रखा हुआ आप लोग ने, तो गलत तरीके है, आवाम को इस चीज़ का आवाज़ उठाना चाहिए। एक एक जहाँ 300 रुपये में हम लोग मुर्गी लेने जाते हैं, वहाँ 600 रुपये में मुर्गी मिल रही है, तो आवाम क्या करेंगे, यहाँ पर बैठ के भूखा बैठेंगे। जिनके घर में एक कमाने वाला 10 खाने वाले, उन लोग क्या करें, फाके में बैठ जाएँ। और आप इस वक्त तो आपको कहीं से भी लग रहे हैं यहाँ कोरोना है, मुझे तो यहाँ नज़र नहीं आ रही, या कोरोना ईद मनाने के लिए चली गई होगी, जब आएगी तो सबको अभी अरेन बजेगी, सब चले जाएगी अपने अपने घर में, यही हो रहा है। इंसानों को तो मार दिया महंगाई ने, हर चीज़ महंगी हो गई है, चिकन सब्जी वक्त भी सोचती है क्या खरीदे क्या खाएं, भला चिकन तो भूल जाए, सब्जियां भी लेना मुश्किल हो गया, दाल और सब्जी भी महंगी। मतलब अभी हुकूमत ने कहा था कि 1200 रुपए दिए जाएंगे, जो अभी वो भी हमें नहीं मिले, नहीं मिले किसी को, नहीं मिले, रमजान भी गुजर गया, ईद भी गुजर गई, किसी के नहीं, ना राशन मिला हमें, ना राशन भी नहीं मिला। तो आप लोगों ने जमा कराए थे 1200 के लिए, शादी कार्ड वगैरह जमा करवाने जाते हो, बोले इधर जाओ उधर जाओ, बस चलाते रहते हैं, मिलते नहीं है, सही कुछ भी नहीं दिया, ना इन्होंने राशन दिया है, ना इन्होंने सबसे आईडी कार्ड जमा करवाए, सब कुछ किया, कुछ भी नहीं मिला बेटा, पूरा रमजान किसी को कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला। मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं वेल्डर हूँ, मैं वेल्डिंग का वेल्डिंग करते हैं जी, मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ, आज 6 महीने से जो है मैं फारक बैठा हुआ हूँ। इन्होंने बोला ये होगा 12,000 देंगे, ये होगा वो होगा, कोरोना वरोना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आवाम को परेशान करना है इन लोगों ने, और महंगाई अलग हो गई है, महंगाई अलग हो गई है। अभी जिस चीज़ के लिए जाओ वो भाई जो चीज़ 10 की है वो 20 की दे रहे हैं, 20 की या 50 की दे रहे हैं, ये कोई कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई आता है, ना बेरोजगारी अलग है, महंगाई अलग है, आते हैं बस चलो भाई बाजार बंद करो, डंडे मार के बाजार बंद करवा देते हैं, ये कोई तरीका है, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। लॉकडाउन की वजह से हो रही है कि इसका फायदा उठाया जा रहा है, ये इसी से फायदा उठाया जा रहा है सर बेटा, इसी से फायदा उठाया जा रहा है। आज 5-6 महीने हो गए मैं वेल्डर हूँ, मैं फारुक बैठा हुआ हूँ, कोई काम नहीं है, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, मिलें बंद हैं, टेक्सटाइल मिलें बंद हैं, सब कुछ बंद है, दुकानें बंद हैं, गोदाम बंद हैं, वर्कशॉपें बंद हैं, सब कुछ बंद है, मतलब हर बंदा बेरोजगार हुआ हुआ है। बस अभी जो अपने पास जमा पूंजी है, जो तनख्वाह ली थी, जो अपने पास पड़े हुए हैं, वो अभी बैठ के खा रहा हूँ मैं। इसी तरह गुजर बसर हुआ, ईद भी इसी तरह गुजरी है, ईद भी इसी तरह गुजरी है बेटा। 1200 रुपये दिए जाएंगे एहसास प्रोग्राम के तहत, तो आप लोगों ने जमा कराया था, मैसेज वगैरह आया था आप लोगों के पास? हमने मैसेज आगे किया था, शनाती का नंबर दिया था, हमें मना कर दिया, आप अहल नहीं हो। क्यों भाई, मेरा शोर तो मजदूर आदमी है और मैं खुद जो बाहर के काम करती हूँ, तो क्यों किया ऐसा, इंसाफ करें ना हमारे साथ। सही, और महंगाई वैसी है, अब दोबारा से महंगाई इतनी डबल हो गई है, चिकन 500 रुपये पे चले गई है तकरीबन। बिल्कुल सही है, महंगाई इतनी कर दी है, इतनी परेशानी हो गई है, काम धंधे हैं नहीं, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है सब, क्या कर रही है हुकूमत। गरीब आदमी क्या करे, बेरोजगारी अलग हुई है। अभी इमरान खान ने पैसों तो लिखवाया, नाम लिखवाया और पैसे नहीं दे रहे, 12,000 से अब 12,000 क्या करें, नहीं मिले अभी तक, नहीं मिले, नाम लिखवाए मैं सीधा आया तेरे, अब देंगे अब देंगे, मैं अपने इंतजार पर जान पड़ताल करेंगे, जान पड़ताल करेंगे, अभी तक जवाब ही नहीं आया। तो अभी फिर किस तरह गुजर बसर हो रहा है, बेरोजगारी है, घर पे बैठे हैं, अभी घर में इतने बैठे हुए हैं, रोज क्या करें। हम बेवा है, हमारे कमाने वाला कोई नहीं है, हमारे पास पैसा हमारा नहीं मिला, हमारे कोई घर पे कमाने वाला नहीं है, ये लड़की है एक ही बात, इसका भी मोबाइल में आया ना पैसा नहीं मिला, मेरा भी मोबाइल, आप नहीं मिले पैसे आप लोगों, तो पूरा रमजान गुजर गया, ईद गुजर गया, कोई नहीं, हम गाय के धूप में ख्वार हो गए, उधर आगे टाइम में मगर पैसा मेरा नहीं आया। तो अभी बेरोजगारी अलग हुई है, महंगाई इतनी हो गई है,
तो किस तरह गुजरा बसरा हो रहा है माँ आपका? जकात थोड़ा बहुत पड़ोसी देता था, हम लोग गुजारा करते थे। हमारा बेटा नहीं है, मिया नहीं है। बेरोजगार हूँ, मेरी बेटी है छोटी वाली, नहीं पैदा हुई है नहीं 3 महीने की। अब पैसे भी नहीं है, हम लोग उधारी उधारी करके किसी के मांग मांग के हम लोग ले रहे हैं। अभी ये हालात, अभी क्या करें, हम लोग का काम धंधा भी बंद पड़ा हुआ है। कारपेंटरी का काम करते दूर भी जा रहे, किराए का पैसे भी चाहिए, अभी हम लोग क्या करें। 3 महीने से कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं है, बेकार बैठे हुए यार। तो हुकूमत ने जो कहा था 1200 रुपए दे जाएंगे, चीजें कहाँ मिले, नहीं है मेकिन आया है, राशन भी नहीं मिला, राशन भी नहीं मिला, वो भी हम लोग किसी ने दिया, कोई आदमी राशन थोड़ा थोड़ा करे हम लोग चला रहे, क्या करें यार। अभी यार अभी अल्लाह बस करे, वो महंगाई इतनी अलग हुई है, महंगाई बहुत हो। आप उसमें लिखा हुआ है कि आप एहसास प्रोग्राम के प्रोग्राम में अहल नहीं है, उसमें लिखा हुआ है। महंगाई हुई हुई है, ये लॉकडाउन का फायदा उठाया जा रहा है क्या? लॉकडाउन से बिल्कुल फायदा उठाया जा रहा है, नाजायज जो है ना यहाँ पे फायदे उठाए जा रहे हैं, बिल्कुल नाजायज। जो चीजें जो है ना 20-20 का लेते थे, अब जो है ना 50 रुपए किलो 100 रुपए किलो में बेच रहे हैं यहाँ पे। और टमाटर चिकन 500 रुपए में चले गई है, चिकन 500-600 रुपए किलो चिकन ईद के दूसरे दिन बिकी है। अब क्या अभी गरीब आदमी क्या लेगा, अलग महंगी हो गई है, सब्जी अलग महंगी हो गई, आलू प्याज अलग महंगे हो गए, कोरोना से अलग फायदा उठा रहे हैं। अब कोरोना है कि नहीं अल्लाह को पता है, सही है, लेकिन यहाँ पे लोग जमीन पे लोग फायदा उठा रहे हैं, वो तो है ना, फायदा हर कोई फायदा उठाते हैं, गरीबों के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। और बेरोजगारी इतनी हुई है, हर बंदे घर पे बैठा हुआ है, सही है, कोरोना से बिल्कुल बेरोजगारी बढ़ गई है। और जो है ना गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया, दुकानें बंद कर दिए, बेचारे जो 200-300 रुपए दिहाड़ी कमाते थे उनकी भी हालत खराब हो गई है। अब लोग मुर्गी तो मुर्गी यहाँ दाल भी नहीं खा सकते, दुकानें बंद है, रेडियां बंद है, अब ईद के बाद 2 दिन हुए खुले हुए, लोग परेशान है, अब क्या करें, कहाँ से पूरा होगा। बंद करा देते 5 बजे, फिर जो माल बचता है वो ले जाते हैं। हुकूमत ने कहा था ना 1200 रुपए दे जाएंगे, इमदाद की जाएगी, वो किसी किसी को मिला है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट सर्विस है उनको भी मिल रहे हैं पैसे, उनको भी मिले, मैंने खुद दिए देखे। अच्छा, गवर्नमेंट सर्विस वाले को ही मिले, मिले जो बेरोजगार है उनको पता ही नहीं है। उनका मैसेज आ रहा है ना अहल आ रहा है, ना अहल आ रहा है लिखा हुआ, अभी देखा खातून ने दिखाया कि मैं बेवा हूँ, हमारे भी आया हुआ है, हम लोग को ठीक लगाते, फिर हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है, तो अब हम लोग मैसेज भेज रहे हैं। ईद भी ऐसी गुजर गई, रमजानी पूरा से गुजर गया, बोल रहे हैं कि किसी का शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट बनाओ नहीं मिलेंगे, लाइसेंस बनाओ नहीं मिलेंगे, अब जिसके पास गाड़ी है उसको भी नहीं मिलेंगे। अब ये गरीब आदमी के पास गाड़ी है तो क्या करेगा, नहीं जो ड्राइवरी करता है नौकरी करता है उसका, उसके पास भी लाइसेंस होगा ना, तो नहीं दे रहे ना भैया। हम 3-4 महीने से काम कर रहा था, फिर ये मिस्त्री ठेल मार्बल का काम कर रहे, अब तक 3 महीने के बाद हम लोग बिल्कुल बेकार स्टाफ में पड़ा हुआ है, काम धंधे नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, जो पैसा बोल रहा था उधर की जा रहा था वो बोल रहा है, महंगाई बाबा इतनी हो गई है, पैसा नहीं मिल रहा है, 12-13 हज़ार बोल रहा है मेरा, वो गवर्नमेंट बोल रहा है वो नहीं मिल रहा है, हम लोग बिल्कुल कुछ नहीं मिलता है, नजायज पैदा उठा रहे, नीचे सब्जी किलो आ रहा है 100 रुपये किलो है, वो पैदा नजायज पैदा उठा रहे, बिल्कुल बेरोजगारी का हालत है, आवाम को निचोड़ लिया है, हम लोग के पास कोई कमाने वाले नहीं, सिर्फ एक एक आदमी है घर के अंदर, वो भी गरीब 10 खाने वाले, वो बेरोजगार बैठा हुआ है, क्या बोलूँ मैं, महंगाई इस प्रोग्राम के तहत किसी को नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिले, किसी को भी नहीं मिले पैसे, किसी को नहीं मिले, किसी को 12,000 कुछ ही नहीं मिले, ये लॉकडाउन का फायदा उठाया जा रहा है बस, इतनी महंगाई जो हुई हुई है, महंगाई हुई है, अभी क्या बोले, गरीब आदमी क्या करेगा, जो 300 कमाने वाला है 500 कमाने वाला क्या करेगा, महंगाई इतनी हुई है क्या बोले, परेशान है हर बंदा, परेशान है हर बंदा, परेशान है यार। एक मिसाल के तौर पर एक मजदूर है, उसके 18,000 रुपये तनख्वाह है, आपने वजीर आजम का बयान सुना है उसका 2 लाख पे गुजारा नहीं है, तो मजदूर का 18,000 में कैसे गुजारा होगा, और ऊपर से महंगाई हो गई, जब एक वजीर आजम का 2 लाख पे गुजारा नहीं होता है, उसका पेट्रोल वगैरह अखराजात फ्री है, तो आवाम का एक बंदे का 18,000 में क्या गुजारा होगा। जी बाबा क्या कह रहे हैं, मैं ये कह रहा था कि हुकूमत को चाहिए कि बिल में जो है रियायत करे, बिल इतने भेजती है महंगे महंगे, हर महीने 7-7 हज़ार रुपये का बिल भेज रही है, तो ये आवाम गरीब आवाम बेचारी कहाँ से भरेगी 7-7 हज़ार रुपये का बिल, हुकूमत को चाहिए, हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारी गवर्नमेंट के प्राइवेट जो मुलाजमत है उनको चाहिए कि तनख्वाहें हमारी बढ़ाएं, जो हुकूमत ने कहा था कि 1200 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन ये किसी को भी नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे, जिनके अकाउंट है उनको नहीं मिल रहे, जिनका पासपोर्ट बना उन्हें नहीं दिए जा रहे, बस खाली ऐलान कर रहे हैं, और महंगाई अलग हो रही है, अब गरीब आवाम बिल कहाँ से भरेगी, इतने इतने 7-7 हज़ार रुपये के बिजली के बिल जो भेज रहे हैं ये कहाँ से भरेगी, लॉकडाउन है तो गरीब आवाम कहाँ से निकलेगी काम करने के लिए, गैस का बिल ये कमरे का 8,000 रुपये 8,000 रुपये 7,000 रुपये बिल भेज रहे हैं तो कहाँ से भरेगी गरीब आवाम, तो हुकूमत को चाहिए कि गरीबों के साथ ताउन करे। महंगाई तो बहुत है मेरे भाई, जीना हराम कर दिया ये महंगाई ने, तो
जी हर चीज महंगाई हो, हर चीज महंगी, हर चीज किसके बारे में बोले? चिकन 600 रुपए, चिकन को 600 रुपए हो गए। हर चीज गरीब बंदे की पहुंच से दूर हो चुकी है, यहाँ तक कि सब्जी भी दूर हो गई है, इस कदर महंगाई हो गई। बस क्या कह सकते, बेरोजगारी अलग है, लोग घरों में बैठे हैं, 2.5-3 महीने हो गए हैं, क्या कह सकते हैं इसके बारे में? तो हुकूमत ने कोई मदद की, मुझे कहते 1200 रुपए दिए जाएंगे। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ यहाँ हुकूमत कोई किसी की मदद नहीं करती है, बल्कि जो हमारे पास है ना ले जाए, हुकूमत को दे दें। महंगाई तो लेना तो पड़ेगा ना, वो तो खाना तो है, खाना तो है ना। तो मतलब दालें, चीनी, चावल, हर चीज महंगा, देख लो ना सब लगा हुआ, ये रेट लगे हुए नजर आ रहे हैं, यही रेट लगा हुआ, लेना तो पड़ेगा, अभी क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे जो इतनी महंगाई और बेरोजगारी जो बढ़ी हुई है? बेरोजगारी तो बहुत है, वो बात सही है। दूसरा बात है जो 12,000 रुपये वर्ष बोलते हम दे रहे हैं, मैसेज चल रहे हैं, अभी तक कितने महीने चल रहे हैं, एक मैसेज भी नहीं आया, कुछ नहीं मिला। कुछ क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। राशन बोलते हैं, बोलते हैं राशन दे रहे हैं, आज तक कोई राशन किसी को भी नहीं मिला। शनाती कार्ड फोटो कितने चार लिए है, वापस किसी को राशन नहीं मिला, राशन किसने? जो मैसेज कर रहे हैं उसके भी पैसे कट रहे होंगे, 8-7 रुपए। वो तो पैसा कट दे, वो पैसा कट रहे हैं। इमरान खान बोलते उनको देते, जिनके ताल्लुकात होते हैं, जिनके जो है ना ताल्लुकात होते हैं, उनको राशन भी मिलता है, उनको सब कुछ मिलता है, हमारे जैसे तुम्हारे जैसे गरीब को कुछ नहीं मिलता है उस्ताद। असल बात है महंगा देखो, कमाते थे आटे का बुरुज था हम लोग गाँव में 2800 रुपये का, 2900 रुपये का बुरी, अभी आजकल क्या 4500 रुपया बोलते हैं लोगों को, बोलते हैं दुकान वाला को, अभी सबको पकड़ेगा, अभी किसी को भी नहीं पकड़ा। ये तनख्वाह उतनी की उतनी ही है, तनख्वाहें लोगों की उतनी की उतनी ही है, 15,000-16,000 रुपये। 6 महीना हो गया, 4 महीना ये लोड होंगे, कितना चल गया 4 महीना, 1 रुपया भी किसी ने सेट कोई चीज़ भी नहीं दिया। जो राशन दे रहे हैं वो भी एक्सपायरी राशन दे रहे हैं और गरीबों के ऊपर मजाक कर रहे हैं। हाँ, और राशन का क्या होता है, आधा किलो दाल, आधा किलो चीनी और 2 किलो आटा, इसमें से कितने कम से कम फैमिली जो है 3-4-5-5-6 बंदों की फैमिली होती है कम से कम, उसके लिए 2 किलो आटा और 2 किलो चीनी, 2 किलो 12,000 रुपये जो दिए थे, 12,000 तो कहाँ मिले, नहीं मिले। जो जिनको मिले हैं मेरा एक दोस्त है, उनको मिले 12,000 रुपये SMS आया था, तो उसके भी उन्होंने 1,000 रुपये काट दिए, 12,000 की जगह पे 1,000 रुपये उनको 11,000 रुपये उनको दिए, 12,000 रुपये मिले। हाँ, ये इनको 12,000 मिले। अच्छा सर, तो अभी ये महंगाई भी हो गई है, हर चीज महंगाई तो बहुत हो गई है। पेट्रोल जब महंगा हो गया था तो महंगाई ऊपर हो गई थी, और जब मेरे सस्ता हुआ है तभी कोई भी उसमें मतलब उसमें फर्क नहीं आया। हाँ, हो गया, महंगाई वैसी की वैसी ही है। अगर पेट्रोल 5-10 रुपए महंगा होता है तो हर चीज़ के ऊपर रेट बढ़ जाते हैं, 10-15 रुपए हर चीज़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। जब गवर्नमेंट को चाहिए पेट्रोल आपने सस्ता किया, चांद रात को मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, रिक्शा ड्राइवर हूँ, चांद रात को हम लोग को पेट्रोल पंप सारे बंद थे, हमारे जो मजदूरी के दिन थे वो हमसे छीन लिए, खराब हो गए, हमारे भी नहीं मिले अभी तक, सिर्फ आया अभी तक नहीं मिले, हमारे भी 12,000 नहीं मिले अभी तक, सिर्फ खाली बात। काम करते हैं आप? ये गाड़ी लगाते हैं, गाड़ी हमारी बंद बड़ी हुई, गोदाम में पूछो, सब कुछ गुजर गए, फिर वो ये वही आया कि जी तहकीकात हो रही है, समझे नहीं भैया, ये आया अभी तो भैया, आप उनसे पूछे ना, किनसे पूछ रहे आप उनसे पूछे, वो कहते हैं 1,00,000 रुपये ले गए इमरान खान साहब टीवी पे चले गए और दिया किसी को कुछ नहीं, किसी को मिला भी है, ये नहीं कहते कि नहीं मिला, 25% लोगों को मिला भी है। मसला है कि ट्रांसपोर्ट का इतना मसला है कि मैं ठट्टा गया था 2-4 दिन पहले, तो मेरे से 2,000 रुपये किराया लिया फी बंदे का, तो ये पेट्रोल इतना सस्ता हो गया और किराया उतने ही महंगे हैं, तो इस समय आवाम को कोई फायदा नहीं है। मेरा तो शौक भी नहीं है, हम माँ बेटे हैं, ना राशन मिला है ना पैसे मिले, कुछ भी नहीं मिला, हम खुद काम करते हैं। 12,000 रुपये भी नहीं मिले तो अभी किस तरह गुजर बसर हो रहा है, जब आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है? कमाने वाला है, बेटा मासूम है, थोड़ा बहुत बसर हो जा रहा है। मैं भी काम नहीं करती, मेरे को भी टीवी हो गई, झूठे बोले, मेरी ऐसी तबीयत खराब हो गई, काम भी छोड़ दिया मैंने, भी राशन भी नहीं मिला है ना वो मिला, कुछ भी हमें नहीं मिला। अलग हुई इतनी महंगा रहता है, अल्लाह के यहाँ मासूम बच्चा है, हम माँ बेटे यहाँ रहते हैं, मेरा शौक कपड़ा पहनने लगा, हम को तो कुछ भी नहीं, ना राशन मिला है ना पैसे मिले, कुछ भी नहीं मिला, झूठ अल्लाह बनता है। मतलब ये रमजान भी गुजर गया, ईद भी गुजर गया, लेकिन इमदाद कोई नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, राशन का तो कुछ भी कहीं नहीं, वो लेते हैं टाइम पे, रोज खाते पीते।
आज तक हमने ये नहीं देखा किसी हकदार को, किसी मोहताज को, किसी मजबूर को, किसी बेवा को मिले। ये जो है ना हम देख रहे हैं उन लोगों को पैसा मिल रहा है जो पहले से ही भरे हुए हैं, पहले से जो लोग भरे हुए उनको ही मिल रहा है, गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है। किसी के घर में भागा कशी है, किसी के घर में नहीं है, कोई मोहताज है मजबूर है उसको ये पैसा नहीं मिलता है। ये सब मिले हुए, सब मिले हुए क्यों? ये जो पैसा उसका 1,000 रुपये 500 रुपये वो कटते हैं, ये सब मिले बोलते मेरे को दे, हम तुम्हारे को कुछ बताएंगे। उस आदमी को मिलते हैं ऐसे नंबर मांगते हैं, नंबर दो, कोई किसी पर नंबर भेजते हैं, कोई मिलता ही नहीं किसी को, कुछ नहीं मिला ही नहीं आया था अभी तक। SMS किया यहाँ से 50 मरतबा को रिटर्न जवाब ही नहीं आया। पैसे अलग कट जाते हैं मैसेज के, पैसे भी कट जाते हैं मैसेज। हाँ वो कारोबार बनाया हुआ है भाई, मोबाइल का कारोबार बनाया हुआ, मोबाइल जो हमारा पैसा कट रहा है, हमको 1 रुपया भी नहीं मिला आज तक। 7-8 रुपये पैसे से कट जाते हैं, 7-8 रुपये जो है ना हमारे कट रहे हैं, हम मुसलसल मजबूरों के कर रहे हैं मगर। हाँ ऐसा ही है, किसी को हकदार को नहीं मिल रहा है। मैंने खुद SMS किया है, कुछ महंगाई अलग हुई भी है, लोग बेरोजगार है, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है, लोग बड़े परेशान हैं। महंगाई ये लोगों ने इतनी बढ़ा दी है तो क्या करेंगे, ये लोग तो डबल पैसे ही ले रहे हैं, डबल जहाँ कम नहीं 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 राशन कहाँ से मिलता है, यहाँ तो कोई ना राशन मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं, 12,000 भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये महंगाई हुई है, डबल हुई भी है। ये हम लोग काम से आ रहे हैं अभी, काम करते हम लोग तारीख रोड पे काम करते, ये हम लोग साथ में जाते जा रहे हैं काम पे। 12,000 रुपये बोलते थे मोबाइल के जरिए मिलेंगे, वो भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले। रिक्शा में आते ना गाड़ी है ना मोटर है ना कुछ खाना पीना कुछ नहीं। ये देखो सीटा रोजा रिक्शे में जा रहे हैं, रिक्शे में आ रहे हैं, और हम लोग का यही हाल है, क्या करें। मतलब रिक्शा तो बड़े पैसे ले रहा तो लेता है ना बेटा, क्या करे, 3,000 रुपये रिक्शे में चले जाते हैं, 4,000 रुपये क्या मिलता है हमारी, और ऊपर से क्या नाम महंगाई भी इतनी, हर चीज इतना, इंसान क्या करेगा, कोई देता है यहाँ तो कोई भी कोई किसी को नहीं देता है। मतलब वो 12,000 रुपये भी नहीं मिले राशन में, कुछ भी नहीं। 3 जगह पे मैंने लिखवाया है, 3 जगह पे मैसेज तो मैसेज हमको फोन तक भी नहीं आया, मैसेज तो छोड़ो मगर पैसे नहीं मिले किसी को भी नहीं। अच्छा बोले राशन के लिए हम दे रहे तो राशन की पर्चियाँ दी, सब कुछ शनागति कार्ड की फोटो कापी दी, ना राशन मिला ना कुछ नहीं मिला हमको, कुछ भी नहीं मिला, खाली बोलते हम देंगे। रमजान गुजर गया, ईद गुजर गई, कोई मदद कुछ भी नहीं। ये मेरा बेटा ये करोना तो ये जब से हुआ है ना, ये हम लोग काम पे जाते हैं, ये बोलते थे इंस्पेक्टर को हम लोग को पकड़ती थी, फिर भी हम बोलते थे कि साहब हम काम पर जाएंगे तो कौन देगा हमको, तो बोलते अम्मा तुम ऐसे में भी जा रहे, ये 3रा महीना है हम वहाँ जा रहे थे। महंगाई तो हो रहा है अभी, क्या कर रहे हैं, हर चीज महंगा है, न काम है न रोजगार है न कुछ है, तुम देख रहे हालात को कैसे हैं, ये बेरोजगारी है, सब गरीब हैं, इधर आते हैं तंग करते हैं भगाते हैं, किधर से खाएंगे, समझे नहीं, जब कमाएंगे तो बच्चों को खिलाएंगे, है ना, अभी तो हालात तो ऐसे ही भी चल रहा है, अभी क्या करें, क्या करें, महंगाई यही, अभी जो 12,000 मिलने थे वो भी नहीं मिले हम लोग को, तो नहीं दिए, रमजान भी गुजर गया, ईद भी गुजर गई, सब गुजर गया, कुछ नहीं मिला हम लोग को, नहीं नहीं। तो फिर किस तरह गुजर बसर हो रहा है इतनी महंगाई के अंदर, क्योंकि बेरोजगारी भी है। अल्लाह का शुक्र सिलाई विलाई कर लेते, थोड़े कढ़ाई वढ़ाई कर लेते, खर्चा पूरा हो रहा है, ऐसा होता है और तो कुछ नहीं है, क्या करें। मतलब अभी तो सब्जी खरीदना मुश्किल हो गया है, दालें खरीदना मुश्किल हो गया, लोग ये परेशान है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, बस अल्लाह मालिक है, क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं कर सकते हम लोग, लॉकडाउन का फायदा उठाया जा रहा है, आवाम को नहीं छोड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। अब देखें ना फ्रूट वाला खड़ा हुआ, आप इसके रेट पूछे तो आप खा नहीं सकते फ्रूट, सही बात है, सब्ज़ी नहीं ले सकते बंदा, सब्ज़ी भी नहीं ले सकते, सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, और इसके अलावा ये हमारे इलाके के दर्जी वगैरह सारे हैं, अब इनको देख लो ना, ये भी बंद थी इनकी दुकानें, अभी 2 दिन हुए खुले। तो कैसा सीजन गुजरा ईद का आप लोगों का, क्या गुजरा सर सीजन वगैरह, ऐसे ही बस गुजर गया, बैठे ही रहे बस घर पे बैठे रहे हम लोग इस वक्त, कोई काम धंधा कुछ भी नहीं, और आप ये देख सकते हो ना बिजली बंद पड़ी हुई है, लेकिन तो लॉकडाउन है, ऊपर से कारोबार नहीं है, लोड शेडिंग शुरू कर दी है, सुबह भी गई है, अभी दोपहर के, और बिजली के बिल तो बोले डबल आ रहे हैं, डबल आ रहे हैं, डबल सही, गैस का बिल मेरी जेब में पड़ा हुआ, आप ये देख सकते हो, कितना आया, 8,000 रुपये का बिल है, 8,000 रुपये आज, हाँ तो आज गया हूँ वहाँ पर देखने के लिए, वहाँ पर गैस कंपनी बंद पड़ी हुई है, तो वो मतलब आपने 7,000 रुपये का बिल है, तो कितना 1,000 गैस की लोड शेडिंग भी है, 1,000 गैस का घर है आपका, घर क्या 1,000 गज का, एक कमरा डेढ़िया कमरा इस बिल्डिंग में, यही पूछ रहा था मैं, यही पूछना चाह रहा हूँ कि एक कमरे के घर में 1,000 रुपये, सही है, क्या कर सकते हैं अभी सर, हालत ही ऐसे लगे हुए हैं यहाँ पर, ना कमाने दे रहे ना कुछ करने दे रहे, 5 बजेंगे कोरोना आ जाएगा बाहर। वालेकुम सलाम बेटा, क्या कहेंगे अम्मा, ये तो इतनी महंगाई हुई है, हर चीज महंगी, इतनी महंगाई है, काम धंधे है नहीं, बच्चे बेरोजगार घरों में बैठे,
हम लोग कहाँ जाए, इतनी मुसीबत है, 5 नहीं बचते बंद करो। और महंगाई तो बढ़ती जाती है, पहले से 80 रुपया पाव मूंग की दाल हो गई, हम क्या खावे, दाल भी गरीब आदमी नहीं खा सकते, समझे ना। इतने 3 महीने हो गए, हम इतने परेशान है, हम बेरोजगारी भी है, लोग घरों में बैठे, घर में बच्चे बैठे, हम लोग क्या खाएंगे। तो हुकूमत ने कोई मदद नहीं की, कोई नहीं की, कुछ भी नहीं, ना 12,000 दे ना कुछ, हम लोग को कुछ भी नहीं मिला, राशन वगैरह कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, हराम है हमारे लिए, समझे ना। अब हम थक गए, किधर पूरा रमजान भी गुजर गया, ईद भी गुजर, रमजान भी गुजर गया, ईद भी गई, उससे पहले 2 महीने ये था हाल, समझे ना। 3 महीने होगा, अभी चौथा चालू होने वाला, हम खुद थक गए, हम कहाँ जाए, किसके आगे फरियाद करें। हुकूमत ने दिया किया है, सब लोगों को घर में बिठा दिया, हुकूमत पैसे भेजे, खर्चा भेजे, राशन भेजे, हम लोगों को कुछ भी नहीं दे रही हुकूमत, और हमारे बच्चों को बेरोजगार करके बिठा दिया है। हुकूमत सुने, हमारा कुछ करे ना, हम कहाँ जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे भूख मरेंगे क्या, सबका बच्चे समझे ना, सारे आवाम पूरी भूख मर रही, परेशान है, सब परेशान है, पूरी आवाम परेशान है, मैं थोड़ी हूँ भाई, सबके छोटे छोटे बच्चे काम धंधा नहीं, क्या खाएंगे, महंगाई इतनी बढ़ रही है, आसमान से बातें कर। ये है आवाम की पुकार, खुदारा हुकूमत से गुजारिश है कि इस आवाम का ख्याल किया जाए। इसी के साथ ये अपने दोस्त को इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। बहुत गुस्से में आवाम भाई, मिलते हैं फिर आपसे।